हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हो दोस्तों। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे पुराने नोट्स और सिक्कों की। काफ़ी दिनों से पुराने नोट्स और सिक्कों के अभी रजिस्ट्रेशन कुछ तो करवाए हुए ही पड़े हैं, बाकी उनका कॉल अभी आए नहीं है। और क्या वास्तव में बिक रहे हैं, क्या वह वास्तव में सारे लोग ही फ्रॉड कर रहे हैं। आज एक टेलीग्राम पे भी ऐसा मेरे को मिला है, बहुत सारे लोगों ने फोटोज डाल रखी है, एक आईडी बनी हुई है जिस पे पुराने नोट्स और सिक्कों से संबंधित है ओनली वो। तो मैंने उसको जैसे ही देखा, काफ़ी लोगों ने उस अपने अपने नोट्स की, अपने अपने सिक्कों की फ़ोटोएँ उस पर डाल रखी है। तो मैंने भी मेरे नोट की उस पर फ़ोटो डाली थी। बहुत ही बड़ी प्राइस उस पर लगती है और काफ़ी लोगों ने यह भी कहा है कि हमारे बिक गए हैं, हमारे बिक गए हैं। क्या वास्तव में बिके हैं या वो सब उनको कह के ऐसा कहलवाया जा रहा है, क्या पूरी प्रोसेसिंग है, अपन इसमें बात करेंगे। एक बॉयर के मैंने उसी चैनल से टेलीग्राम से नंबर लिए हैं, उस पर अभी कॉल करने वाला हूँ आपके सामने। और ये 5 रुपये वाला नोट है, इसकी अभी वापस चर्चा करेंगे अपन। ये देखिए ट्रैक्टर वाला वही नोट है मेरे पास और मैं उसको कॉल करके जानूंगा पूरी प्रोसेसिंग, क्या प्रोसेसिंग है, और वो बताएगा वास्तव में अगर वो सही तरीके से ख़रीदता है, बिना फ्रॉड के ख़रीदता है, बढ़िया रकम देता है। तो मैं वीडियो के अंत में आपको नंबर दे दूंगा, आप भी बात कर सकते हो और उससे पूरी डिटेल्स ले सकते हो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मैं कॉल करता हूँ उसको, देख मैंने टेलीग्राम से नंबर उसके लिए हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नमस्कार, मैं नासिक से ओल्ड कॉइन कंपनी से बात कर रहा हूँ। अच्छा ओल्ड कॉइन कंपनी से बात कर रहे हो जी। सर टेलीग्राम ग्रुप से नंबर लिया सर आपने। नोट सिक्का जो भी पुराना रियर कॉइन्स जो भी है तो बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ। सर टेलीग्राम ग्रुप से नंबर लिया आपका। अच्छा टेलीग्राम से लिया है जी जी। तो बताइए आपके पास कोई सा पुराना नोट या सिक्का अवेलेबल है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो क्या। जी जुड़ा था मैं कल ही उसमें, तो अच्छा, काफ़ी लोगों की जो सिक्कों की और नोटों की फ़ोटो जो लोग भेज रहे हैं, कई लोग कह रहे थे कि हमारे बिके हैं वो बिके हैं। तो जी 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 हमने सोचा सर हमारा भी एक 5 रुपये का नोट है। तो अच्छा, आपके पास 5 रुपये का नोट है, कौन सा है। सर 5 रुपये का नोट है पुराना ट्रैक्टर वाला। तो काफ़ी थोड़ा वाला नोट है आपके पास, पुराना ज़्यादा हो गया है इसलिए थोड़ा। टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी एक्टिव हो। हाँ उसमें तो मैंने फोटो डाली थी लेकिन मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला उस पे सर। अच्छा अच्छा, देखिए ऐसा होता है जी, हमारी एक साइट है जी, ईबे नाम की साइट है, ebay.com ebay.com जी जी। उसके ऊपर आप जब भी अपने नोट या ट्रैक्टर के वो ट्रैक्टर वाले नोट की फोटो डालोगे ना, हाँ, या कोई सा भी आपके पास सिक्का जो भी अवेलेबल है जी, तो उसके ऊपर डालने के बाद में क्या होता है, हमारे जो बॉयर्स होते हैं अच्छा, वो आपको वहां से कांटेक्ट करके एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, वहां पे आपको अपने नोट का फोटो और जो आप ईबे ईबे जो साइट होती है ना, हाँ, उस पे एक आपको कोड मिलता है जब अच्छा, आप नोट की फोटो डालते हो तो वहां पे सीरियल नंबर वाइज लिखा होता है, हाँ, वो आपको नोट के फोटो के साथ टेलीग्राम ग्रुप में डालना होता है। आपने मेरे हिसाब से ऐसे डायरेक्ट ही डाल दिया होगा। जी ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया था मैंने। हाँ तब तो कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। और किसी साथ वाले ने जोड़ दिया था, मैंने ऐसे कोई ईबे ईबे पे नहीं किया था सर, कोई मिलने वाला था उसने ऐसे ही ऐड कर दिया था। अच्छा अच्छा, तो वो तो ऐसा है सिस्टम, ebay.com जो साइट हमारी है उसके ऊपर जाके अपने नोट या कॉइन की फोटो डालना, उसके बाद वहाँ पे जो सीरियल नंबर आएगा जी वो साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप में डालना। वो सीरियल नंबर कैसे आएगा सर, मेरे पास मैसेज आएगा क्या। नहीं नहीं, तो वो जब आप फोटो डालोगे ना उसके नीचे की तरफ शो करेगा, जैसे ही आपका जो एड है ebay.com पर पब्लिश हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपको वहीं पे एड के नीचे ही आपके नोट के फोटो के नीचे ही सीरियल नंबर दिखाई देगा। अच्छा वहीं मिल जाएगा सीरियल। हाँ, वहीं तो वो सीरियल नंबर कहाँ डालने पड़ेंगे फिर। आपका नोट इस जो टेलीग्राम ग्रुप में है इसमें अलग अलग तरीके के बॉयर्स जुड़े हुए हैं, खरीदने वाले भी मतलब जुड़े हैं, बेचने वाले भी जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सारे खरीदने वालों के और बेचने वालों का आपने एक ग्रुप बना लिया है। जी जी, तो अब वो जो सीरियल नंबर के बाद में मैं टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ऐड होऊंगा सर। देखिए ऐसा, आप तो टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हो चुके हो ना। हाँ वही, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी ऐड नहीं हो तो नहीं सर, तो मेरा हो सकता है जो टेलीग्राम ग्रुप वही है या दूसरा हो, कोई मैं कोई दूसरे ग्रुप से ऐड हो जाता हूँ। ऐसा है जी, अगर आप जब ebay.com पे अपनी फोटो ट्रैक्टर वाले फोटो नोट वाले फोटो डालोगे ना जी,
उसके बाद वहां पे सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। 2 दिन के अंदर आपसे कोई बॉय कॉन्टेक्ट कर लेगा जो हमारी कंपनी का है। उसके बाद क्या होता है, वो बॉयर आपसे संपर्क करेगा और आपके पास एक लिंक सेंड करेगा, उसके द्वारा आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। अच्छा, उस लिंक से। हाँ, अच्छा, जो अच्छा। हमारा जो जो हमारा पर्सनल ग्रुप है उसमें जोड़ा जाएगा, जो हमारी ही कंपनी के लोग जुड़े फिर उस ग्रुप में डालना पड़ेगा क्या उसका सीसी, वो जो नो मेरा नोट है उसकी फोटो। जैसे आप इंटर हो जाओगे हाँ, तो उसके बाद आपको उस नोट का, जो नोट आप ep.com साइट पे डालते हो ना जी, उसी नोट का फोटो जी, और जो वहाँ पे सीरियल नंबर लिखे होते हैं वही सीरियल नंबर आपको नोट की फोटो के साथ में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना होता नहीं, है। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में 48 घंटे के अंदर अंदर आपको रिस्पांस आ जाता है। अगर 48 घंटे में रिस्पांस नहीं आता तो फिर से रिटर्न डालना रहता है। अच्छा, वापस दोबारा डालना पड़ेगा। तो सर 48 घंटे में रिटर्न डालना पड़ता है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि अपना नोट एक्सेप्ट कर लिया गया है, कितनी प्राइस लगी है? वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी बॉयर स्टूडियो वो अपने आप, वो आप जैसे फोटो डालोगे तो टिक करके आपको प्राइस बता देंगे अलग अलग तरीके, जितने बजे मतलब जो जितना प्राइस सारे देना जो देना है, किस रेट में खरीदना चाहेगा वो आपके सबसे बेस्ट प्राइस लगे। अच्छा, उसी मतलब कर सब देना। की कमेंट आ जाएगी उस पे। जी, तो उसमें जो मैसेज होता है मैसेज आ जाएगा ना। सर, कोई फ्रॉड वाला इसमें सिस्टम तो नहीं है? ऐसा कोई फ्रॉड वाला सिस्टम, कोई चार्ज रजिस्ट्रेशन चार्ज जो आपको मान लीजिए कोई सा भी प्राइस अच्छा लगा उसके साथ आप कॉन्टेक्ट कर गए फिर वो अपने आपको पर्सनल कॉल कर देगा? उसके बाद वो पर्सनल मैसेज करेगा, पर्सनल मैसेज में आपसे आईडी मांगेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी बैंक डायरी की फोटो। अच्छा, डॉक्यूमेंट तो मांगेंगे पूरे? जी, वो डॉक्यूमेंट तो अनिवार्य है, वो तो आपका जो फाइल बनता है उसके लिए अनिवार्य है। उसके बाद में क्या होता है, तो जैसे कि आपका फाइल मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर दिया, अच्छा, साथ में 2 अदर मोबाइल नंबर भी सेंड करने रहते हैं उस पे। हाँ, साथ में, क्योंकि वो कांटेक्ट करेंगे ना। उसके बाद फिर सर वो जो पेमेंट, ये जो कंपनी वाले टीम आने का समय आपको कंपनी के द्वारा मैसेज कर दिया जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे। तो सर ये कंपनी वाले जो पेमेंट देंगे वो ऑनलाइन बैंक में देंगे या अपने कैश देंगे, किस हिसाब से देने वाले? वो कैश पेमेंट का है पूरा पूरा ही। तो फिर सर अपन से बैंक डिटेल्स क्यों लेते हैं? देखिए, वो आप इनका प्रोसेसिंग होता है हमारा, जो प्रोसेसिंग फॉलो करना पड़ता है, जिससे क्या है कि हम ये चेक करते हैं कि वास्तव में जो आप हो वही आपका जो आईडीज है वही आप हो। अच्छा और अच्छा आप हो वही आईडीज। अच्छा, मतलब पहले अपन को ebay.com से रजिस्ट्रेशन करवाना है साइट पे जाके? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, मतलब वो जो भी है अपना एड निशिक का नोट डालना है। सिस्टम है उसमें रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं, रजिस्ट्रेशन शुल्क 0 है। नोट डालना है मतलब फिर वो कोड लिंक से अपन टेलीग्राम में ऐड हो जाएंगे। तो वो लिंक कब तक आएगा, क्या चीज वो लिंक कब आएगा टेलीग्राम में? वो भी 2 दिन के अंदर आ जाता है जब आप ebay.com पे अपने फोटो डालोगे ना, 2 से 3 दिन के अंदर कभी भी आ सकता है, 7 दिन के अंदर। व्हाट्सएप पे आएगा या मैसेज आएगा? व्हाट्सएप रिटर्न फिर से ऐड लगाना है। व्हाट्सएप पे आता है, मैसेज पे आता है सर? जी, वो वहीं पे आएगा आपको, जो ebay.com की हमारी साइट है ना। अच्छा, उसी पे मिलेगा? उसी पे कंफर्मेशन वापस उसी पे खोल के चेक करना है, चूज किया है उसी पे खोल के चेक करना है, उसी पर खोल के चेक करना है मतलब, है ना? नहीं, वो आपके पास मैसेज तो अलग से कॉल आएगा ना कंपनी के द्वारा। ओके ओके ओके। आपका जो नोट ebay.com पे, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इसमें कोई आपके पास जो अलग अलग बॉय कॉन्टेक्ट करेंगे वो एक कोई सा भी बॉय कौन कौन से उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो कोई, क्योंकि ebay.com साइट है जी? उसमें बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन कौन से नोट्स और सिक्के आपकी ये कंपनियां सारी कंपनियां जो अभी अभी ट्रेंड में कौन से चल रहे हैं, अभी अभी ट्रेंड में कौन सा चल रहा है सर, अभी अभी ट्रेंड में, अभी ट्रेंड में कौन सा चल रहा है सर? जी, अभी ट्रैक्टर वाला नोट चल रहा है। अच्छा, तो सर ये ट्रैक्टर वाला ही है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं जी। तो सर अब उसके ऊपर हम चेक कर लेते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज तो नहीं मांगा जाएगा? बिना किसी रजिस्ट्रेशन शुल्क के कोई कुछ रजिस्ट्रेशन। ओके सर, आपको मोबाइल मैं चेक करता हूँ और मैं चेक करता हूँ और पूरी प्रोसेसिंग चेक करते हैं सर। ओके, थैंक यू। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये बॉयर साहब से अपनी बात हुई है, इन्होंने बताया है कि जो ये आपका नोट है वो साइट बताइए ebay.com क्या है, अपन देख चेक करेंगे क्या वास्तव में मिलेगी या फर्जी कोई ऐसे ही बताइए, अभी चेक करेंगे तभी पता चलेगा। उस पर इसकी फ़ोटो क्या डालनी है, फिर वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेगा अपन को 2 दिन के अंदर। तो मैं अभी चेक करता हूँ, आप भी अगर करना चाहो तो चेक कर लेना, या मैं आपको वापस दूसरे वीडियो में बता दूँगा
कि वास्तव में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को ऐड किया गया है या नहीं किया गया है। अभी आप थोड़ा वेट कर सकते हैं एक दो दिन का, ताकि मैं इसको डाल के आपको पूरा वीडियो ही बना के समझा दूंगा कि हाँ वास्तव में लिंक पे क्लिक करने से टेलीग्राम पे जुड़ा गया है या मेरे खाते से पैसे काटे गए हैं। पूरी डिटेल्स मैं अगले वीडियो में आपको इसकी दे दूंगा। तब तक इस आप वेट कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे पास किस किस के पास ये वाला अभी ट्रेंड का नोट है, और इसके अलावा कौन कौन से आपके पास सिक्के भी पुराने हो, पुराने नोट्स भी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं इस पर अभी ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये सिलेक्ट हो जाए और टेलीग्राम ग्रुप में अपन को ऐड कर लिया जाए। अगर जैसे ही ऐड कर दिया जाएगा मैं आपको एक नया वीडियो बना के पूरी जानकारी दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।